नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। आप देख रहे हैं धर्म। हरिद्वार, जहां त्रिदेव करते हैं वास, लेकिन मोक्ष की इस नगरी में ही मौजूद है एक शक्तिपीठ जो गवाह है सती के त्याग का, शिव के प्रति उनके प्रेम का। हरिद्वार का माया देवी शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठों में से एक, जहां गिरी थी सती की नाभि। का द्वार हरिद्वार और इस नगरी में आए भक्तों के पाप धोती पतित पावनी गंगा, शिव की जटाओं से निकली मोक्षदायिनी गंगा, जिसके स्पर्श से महाकुंभ की इस नगरी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कहते हैं यही ब्रह्मा विष्णु और महेश वास करते हैं और इसी धर्म नगरी में बसा है वो स्थान जो सुनाता है कहानी सती क्रोध की। सती और शिव का संबंध अटूट है। भगवान भोले में बसती हैं सती और शक्ति के हृदय में रहते हैं शिव। लेकिन सती की अग्नि समाधि के बाद जब शिव सती का शरीर लेकर समूचे ब्रह्मांड में भटक रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। धरती पर ये टुकड़े जहां जहां गिरे वो स्थान शक्तिपीठ कहलाया। 51 शक्तिपीठों में से एक है हरिद्वार का माया देवी मंदिर, जहां गिरी थी सती की नाभि। विष्णु जी ने अपने चक्र द्वारा उस योगाग्नि शरीर को अलग अलग खंड किया। उस खंड को 52 शक्तिपीठ के रूप में मानते हैं। जहां जहां उस अंग गिरा, यहां जैसा कि माया देवी के नाम से यहां नाभि गिरी और नाभि गिरने के नाते यहाँ महामाया कहलाई और यहाँ जब से दक्ष यज्ञ हुआ तब से यहाँ शक्तिपीठ के रूप में यहाँ मान्यता है और यहाँ लोगों का हरिद्वार के इसी स्थान पर आ गई थी, इसीलिए इस जगह का नाम माँ माया देवी पड़ा। इसी के बाद से हरिद्वार को भी मायापुरी के नाम से जाना जाने लगा और ये स्थान देश की 7 पुरियों में शामिल हो गया। शक्तिपीठ मानी जाती है, 52 पीठों में एक शक्तिपीठ है। ये मायापुर माया देवी का अधिष्ठात्री है, यहाँ की कुल देवता मानी जाती है और मायापुरी एक 7 पुरियों में एक मोक्षपुरी है। मोक्षपुरी होने के नाते यहाँ महामाया का एक अद्भुत शक्ति है और महामाया मीन्स जो सृष्टि के कर्ता है, जो ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्ति उसके इच्छा के अनुरूप कार्य को रूपान्वित देने वाले, प्रकट करने वाले, उसको संचालन करने वाले, उसको माया कही जाती है। माया देवी को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जिसका इतिहास 11वीं शताब्दी से उपलब्ध है। प्राचीन काल से माया देवी मंदिर में देवी की पिंडी विराजमान है और 18वीं शताब्दी में इस मंदिर में देवी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही तंत्र साधना भी की जाती है। चूंकि हरिद्वार में भगवती की नाभि गिरी थी, इसलिए इस स्थान को ब्रह्मांड का केंद्र भी माना जाता है। हरिद्वार की रक्षा के लिए एक अद्भुत त्रिकोण विद्यमान है। इस त्रिकोण के 2 बिंदु पर्वतों पर मां मनसा और मां चंडी रक्षा कवच के रूप में स्थित है, तो वही त्रिकोण का शिखर धरती की ओर है और उसी अधोमुख शिखर पर भगवती माया आसीन है। मां के इस दरबार में मां माया के अलावा मां काली और देवी कामाख्या के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। जहां मां काली देवी माया के बाईं ओर, तो वहीं दाहिनी ओर मां कामाख्या विराजमान है। मां माया के आशीर्वाद से बिगड़े काम भी बन जाते हैं और सफलता के राह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। मां के चमत्कारों की कहानी लंबी है और महिमा अनंत। बस इतना समझ लीजिए, मां माया के द्वार एक बार जो आ गया वो फिर कहीं और नहीं जाता। संजय आर्या, हरिद्वार आज तक।
माँ माया देवी मंदिर के साथ ही मौजूद है भैरव बाबा का मंदिर और मान्यता ये है कि माँ की पूजा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक भक्त भैरव बाबा का दर्शन पूजन कर उनकी आराधना नहीं कर लेते। ये शक्ति की लौ है, ये भक्ति की लौ है, इसमें छिपा है माँ का आशीर्वाद। भगवती की सुबह शाम होने वाली आरती में जो लोग शामिल होते हैं वो अखंड पुण्य के भागी होते हैं। आरती की इस लौ में माँ का असीम आशीर्वाद है और ये रोशनी जीवन के तमाम कष्टों का अंधियारा हर कर भक्तों के जीवन में खुशियों का उजियाला लाती है। मां माया देवी के पीठ पर शाम ढले हजारों लाखों भक्त मां के दर्शन करने, उनकी आरती में शामिल होने के लिए घंटों इंतजार करते हैं और जब ढोल नगाड़ों और घंटे की आवाजों के साथ होता है मां का श्रृंगार और उनकी आराधना, तब भक्तों की पूरी हो जाती है हर कामना। नवरात्रों में माँ माया देवी मंदिर में भक्तों की तादाद बढ़ जाती है। यहाँ आने वाले भक्त माँ शक्ति की आराधना करते हैं, साथ ही यहाँ आने वाले भक्त भैरव जी की आराधना भी करते हैं। माना जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों को माँ की कृपा और पूजा का पूर्ण लाभ तभी प्राप्त होता है जब वो माता के साथ भैरव जी की भी पूजा करते हैं, जिनका मंदिर माँ माया के मंदिर के साथ ही विराजमान है। माना जाता है कि माँ माया देवी मंदिर में पूजा कभी निष्फल नहीं जाती। नवरात्रों के दौरान इस मंदिर में पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। यहाँ आने वाले भक्तों की माँ माया देवी मंदिर के प्रति अगाध श्रद्धा है और मान्यता है कि जिसने भी सच्चे मन से पूजा करके माँ के दरबार में गुहार लगाई है, माँ ने उसकी पुकार कभी अनसुनी नहीं की है। हरिद्वार के अंदर तीन सिद्धपीठ कहे जाते हैं, माया देवी, चंडी देवी और माँ मनसा देवी। ये त्रिकोण में है और माया देवी ये इसके केंद्र में स्थित है। माया देवी सबसे प्राचीनतम मंदिर है यहाँ पर, इसी कारण इसका नाम भी मायापुर था। हरिद्वार इसका नया नाम है और सबसे ज़्यादा श्रद्धालु भी यहाँ पर आते हैं और ऐसा माना जाता है और ऐसा हमने महसूस भी किया है कि जो भी हम यहाँ मनोकामना करते हैं माँ मायावी माँ है और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तभी तो भक्त मुरादें पूरी होने पर माँ को श्रद्धा के फूल चढ़ाना नहीं भूलते। यूं तो मोक्ष की नगरी में अनगिनत मंदिर हैं, लेकिन माँ माया का ये मंदिर अपने चमत्कारों की वजह से पूरे शहर में कुछ अलग ही स्थान रखता है और ये माँ की महिमा और भक्तों का यकीन ही है कि यहाँ हरिद्वार से ही नहीं देश के दूसरे कोनों से भी भक्त उमड़ते हैं और माँ के आगे शीश झुकाते हैं। संजय आर्य, हरिद्वार आज तक। देवी का एक ऐसा धाम जहां दर्शन मात्र और जिनका नाम लेने भर से ही भक्तों की मन्नत हो जाती है पूरी, क्योंकि यह है हरिद्वार की मां मनसा। मां के नाम के अनुरूप ही मां भक्तों की समस्त मंशाओं को कर देती है पूरा। काल सर्प योग, कुंडली का एक ऐसा योग जो घेर ले तो असंख्य बाधाओं के जाल में फंसा दे, जीवन में कष्टों का अंबार लगा दे। इसीलिए इसके भय से पार पाना चाहते हैं सब, पहुंचना चाहते हैं उस धाम तक जहां होती है काल सर्प योग निवारण पूजा। अम्बे अम्बिके बालिके नमा नयति कश्चन सशस्तश्वकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं ॐ। हरिद्वार, हिंदुओं का परम तीर्थ हरिद्वार, वो नगर जिसकी महिमा के बखान से शास्त्र भरे पड़े, वो पुण्य भूमि जिसे युगों युगों से मिल रहा है ऋषियों मुनियों और देवताओं का आशीष, और जो धन्य है मां गंगा के
पवित्र स्पर्श से। इस नगर पर माँ की कृपाएं असीम है। एक तरफ जीवन के समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली पतित पावनी माँ गंगा बह रही हैं, तो दूसरी ओर इस शिवालिक पर्वत पर विराजी हैं समस्त कष्टों को दूर कर मंशाओं को पूरा करने वाली माँ मनसा देवी। वो दिव्य दरबार जहाँ पूरे विधि विधान से की गई पूजा से दूर होता है काल सर्प दोष। अमावस्या के दिन कोई भी भक्त जो काल सर्प योग से ग्रसित है वो अपनी नाग नागिन की प्रतिमा कांस्य के कटोरे के अंदर लेकर अपनी छाया माँ के उसमें चढ़ाता है चरणों में, तो उसके काल सर्प दोष से भी मुक्त होता है। देवी सिद्धपीठ तक पहुंचने के लिए मां के भक्तों को हरिद्वार से लगभग 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता पैदल तय करना होता है। हालांकि अब मंदिर तक जाने के लिए रोप वे लगा दिया गया है, जिसकी रोमांचक यात्रा में मंदिरों और गंगा घाटों के नगर हरिद्वार की मनोरम छटा भी दिखाई देती है। और मंदिर पहुंचते ही महसूस होता है एक अलौकिक आनंद। माँ मनसा देवी तीनों लोकों में पूजी जाने वाली माँ के इस रूप के लिए शास्त्रों में लिखा है कि समय आने पर इन्होंने देवताओं तक की रक्षा की, उनकी मनोकामनाएं पूरी की, इसीलिए माँ दुर्गा के इस रूप का नाम मनसा देवी पड़ा। धर्म की आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप देखते रहिए आज तक।